हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, आप जैसे अमेरिका में बड़े बड़े शहर है, न्यूयॉर्क सिटी हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, उसके बाद कोलंबस हो गया, ये बड़े बड़े जो शहर है इसमें आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपका एक दिन का खर्चा कितना बैठेगा। ठीक है, मतलब आप एक स्टूडेंट के लाइफ हो, स्टूडेंट हो, ट्रैवल वीजा पे भी आ रहे हो आप अमेरिका में, तो कितना खर्चा बैठ सकते हैं ये बताऊँगा। अभी मैं हूँ जो ओहायो स्टेट है उनका कैपिटल कोलंबस में। तो मैं न्यूयॉर्क सिटी भी गया हूँ, मैं सारा शहर घुमा हूँ, तो मेरा एक आइडिया हो गया है घूमने के बाद। और मैं ये जो बोल रहा हूँ आपको, ये पूरा एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं जो आपको मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। तो मेरा 2 साल का जो एक्सपीरियंस है उसी बेसिस पर बोल रहा हूँ। तो कितना खर्चा बैठेगा, देखिए जब आप बड़े सिटी में आते हैं तो आपको मेजर खर्चा कहाँ बैठता है, एक तो मेजर खर्चा आपको बैठ जाता है आपका होटल में, मतलब जहाँ पर आप ठहर रहा है, रुक रहा है, तो इसका तो एक बहुत मोटा पैसा चला जाता है और मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इसी में जाता है। तो ये बताऊँगा। दूसरी ये बताऊँगा आपको ट्रैवल में, अब जब कहीं सिटी में आ रहे हैं तो आप घूमेंगे ना, घूमेंगे देखेंगे तो ट्रैवल के में कितना बैठ सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तीसरी आपको जो खर्चा होता है खाने पीने में, मतलब तो खाने पीने वाला भी आपको है वो भी मैं बताता हूँ। ये सब बड़े शहर में एक मील का लगभग एक एवरेज मील का कॉस्ट कितना बैठता है। तो चलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, आपको ये जानकारी चाहिए तो आपको मैं सारे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं मतलब मैं मेरे रूम पे जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं इसको ज़रूर शेयर कर देता हूँ कि वो ये वीडियो का भी इंफॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए। तो देखिए आपको मतलब होटल का बहुत बड़े बड़े ब्रांड होता है, मतलब जो होटल वगैरह रहता है। देखिए मेरा पीछे एक होटल दिख रहा है जो ये है, देख रहे हैं हिल्टन का है। तो इस होटल में रुका हूँ मैंने, ठीक है, तो इसमें रूम का भी आपको वीडियो थोड़ा सा दिखा दूंगा मैंने होने के बाद। तो इस तरफ होटल में आप रुकने के लिए पर डे को आपका खर्चा बैठ जाता है, जैसे न्यूयॉर्क जैसे शहर में लगभग मोटा मोटा आपको मतलब इसी ब्रांड का, तो ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो ये मोटा मोटा मान लीजिए आपको 250 से $300 एक दिन का बैठ जाता है आपका, मतलब ठीक है। और उसके अंदर आपको खाना पीना इंक्लूडेड नहीं रहता है, नॉर्मली मतलब ये आपको वो मिल जाता है। तो आप थोड़ा शेयरिंग फेयरिंग देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो मैं मोटा मोटा आप मान लीजिए $250 के आसपास। ठीक है, दूसरा क्या होता है, तो क्यों तो होटल बढ़िया होता है, एक होटल के अंदर कोई कमी नहीं रहता है आपका, आपका ए टू जेड सारा सामान आपको मिल जाता है, मतलब होटल के अंदर मतलब नहाने का से लेकर के रहने का, मतलब पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन, उसमें कोई आपको कमी नहीं महसूस होगा, जो होटल में कोई कमी हो गया ऐसा नहीं होगा। दूसरा हो गया खाना आपको होटल से भी खा सकते हैं और बाहर से भी मंगा सकते हैं और कहीं जाके भी खा सकते हैं, क्योंकि होटल का खाना खाएंगे तो आपको डेफिनेटली वो महंगा बैठेगा थोड़ा, ठीक है, कि वो लोग प्रोवाइड करते हैं जब, तो आप बाहर खाएंगे तो आपको बैठ जाएगा पर मील में लगभग मोटा मोटा मान लीजिए $30 से $40। ये सब सिटी में लगभग एक खाना मीडियम मील खा रहे हैं आप, $30 से $40 आपको मिल जाता है, लग जाता है। तो फूड के लिए हो गया $30 से $40, होटल का रेंट तो बता दिया हूँ। दूसरा होता है ट्रैवल में खर्चा बैठते हैं, जब आप शहर में बड़े बड़े शहर में घूमते हैं ना इधर उधर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको खर्चा बैठ जाता है लगभग मोटा मोटा मान लीजिए उबर करेंगे तो बहुत महंगा है, $25, $25, $30 पर राइड के लिए लगता है। तो आपने 10 राइड कर लिया तो $250, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा उसको अवॉइड करने के लिए। आप क्या करिए, एक देखिए एक ये ई साइकिल होता है, तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक है, दिन के लिए। तो इसको जैसे होता है आपको मतलब पर माइल में लगता है, नहीं तो पर राइड के लिए लगता है। तो ये क्या होता है, आप एक घंटा के लिए ले लीजिए, आसपास घूम लीजिए, वहाँ पर जाकर एक डिस्टेंस पहुँच गया है, $10-15 में पहुँच गया है, आप जाके वहाँ पर घूमिए पैदल, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इस तरफ आप लेंगे ई साइकिल तो आपको बैठ जाएगा खर्चा बहुत कम, मतलब $15 में हो जाएगा। ठीक है, ये होटल के पास से हूँ मैं, अभी मैं जाऊँगा उसमें होटल के अंदर ही, तो आपको बता रहा, तो उसमें होगा तो उसमें थोड़ा खर्चा बोल दिया आपको $15-20 लगेगा, लेकिन आप मैं बोलूँगा न्यूयॉर्क सिटी में है तो आप साबवे ले लीजिए, उसमें आपका कार्ड ले लीजिए और कार्ड में लगभग पर राइड में उसमें आपको $1 समथिंग काटते हैं, $1.50 करके, तो आप जितने बार ट्रैवल करेंगे उतने करके, तो आप कहीं से भी कहीं जाते हैं, एक बार अंदर घुस गए साबवे के अंदर तो आप जाते रहिए, मतलब उसमें एक पैसा पे कर दिए तो अनलिमिटेड आप राइड लेते रहिए, इस तरफ का सिस्टम है। तो उस तरफ का फैसिलिटी है, मतलब ट्रेन का क्या कनेक्शन है, साबवे बोलते हैं यहाँ पे, जो हमारे इंडिया पे मेट्रो बोलते हैं यही पे इसको साबवे बोलते हैं, तो साबवे ले लीजिए तो 50 मतलब आप दिन में 10 राइड भी कर रहे हैं ना तो सिर्फ $1.50। और दूसरा होता है एक बस पीछे मेरा जा रहा है, देखिए ये मेरे पीछे अभी पास जा रहा है, तो जो इसका होता है ना इसका भी कम होता है, ये भी सस्ता मिलता है, ये भी मतलब आपको करेंगे तो सस्ता मिलेगा, मतलब बस के ऊपर ऊपर चल रहा है, तो इतना खर्चा बैठते हैं। तो आप दिन में जोड़ लेंगे, मान लीजिए मैं ट्रैवल के लिए आपको ₹40 मान लेता हूँ, ₹40। दूसरा क्या है, तो ये होता है, और क्या होता है,
आपका। तो ये चीज होता है मेनली, मतलब मेन जो खर्चा होता है, तो आपको ये खर्चा बोल दिया मैंने। इसके अलावा भी आपको जो एक चीज जो होता है वो आपको बोल रहा हूँ, मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं सिटी में तो हम घूमने आएंगे, घूमने का बहुत सारा प्लेस होता है, उसका तो टिकट होता है अलग से $10-15, तो ये सब तो आपको देना पड़ता है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको ओवरऑल अंदाजा हो गया है एक न्यूयॉर्क सिटी में एक दिन का खर्चा। तो मेरा हिसाब से कोई स्टूडेंट है तो न्यूयॉर्क सिटी में आप रह रहे हैं पूरा, तो उसके लिए मान लीजिए मोटा मोटा आपका न्यूयॉर्क क्या, मतलब कैलिफोर्निया में भी रह रहे हैं और आपका कोलंबस का ओहायो का कोलंबस में भी रह रहे हैं और ये जो बड़े बड़े शहर सिटी होता है तो उसमें लगभग मोटा मोटा $400 से $500 आपको बैठ सकता है खर्चा एक दिन का। ठीक है, कोई फैमिली के साथ है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शेयर रूम ले लीजिए उसमें $100 और ज़्यादा दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको इस तरह वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और चैनल को जरूर दोस्तों के बीच में शेयर करिए। क्या होगा इसमें आपको बहुत सारा, मतलब आपको ये बहुत सारे लोगों को जरूरत होता है इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग काइंड ऑफ ब्लॉग ही करता हूँ पर इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए मैं पहुँच गया हूँ और देखिए मेरे बैकग्राउंड कितने अच्छे हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।